आपके तीनों बोर्ड में यानी कि बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड और एसएससी बोर्ड में इस टाइप के कंस्ट्रक्शन वाले सवाल पूछे जाते हैं। इंग्लिश मीडियम में ये क्वेश्चन भले ही है लेकिन मैं समझाऊंगा आपको, आप आसानी से इसको समझ सकते हो। तो बना हुआ है आंसर आपका। तो सबसे पहले क्या करना है आपको कि इसमें सवाल देखेंगे हम लोग कि सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है कि आपको ए बी सी एक ट्रायंगल बनाना है जिसमें कि बी सी 5.7 सेंटीमीटर लेना है और बी जो एंगल है वो आपका 30 डिग्री होना चाहिए और डिफरेंस होना चाहिए टू साइड्स का वो है 3 सेंटीमीटर। अब इसको इस प्रकार से स्ट्रक्चर इसका बनाना है। तो रफ में ए बी सी एक खींच करके आपको इस तरह का स्ट्रक्चर बनाना है। तो साइड में जो है आप देखिएगा यहाँ पर ये आप देखेंगे कि ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो पहले से बना करके रख दिया गया है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे कि स्केल के माध्यम से हम लोग यहाँ से लेकर के यहाँ तक 5.7 सेंटीमीटर का एक लाइन खींचेंगे, ठीक है, और जिससे आप क्या लिख दोगे, बी सी लिख दोगे क्योंकि जो दिया हुआ है उसमें। और चूंकि बी एंगल पर हमको कितना बताना है 30 डिग्री का, तो यहाँ पर हम 30 डिग्री का एंगल बनाएंगे। 30 डिग्री का एंगल कैसे बनता है मैंने आपको बताया भी है पहले बहुत सारे वीडियोस में कि आपको क्या करना है। पहले आपको ऐसे खींचना है, चाप लेना है, फिर यहाँ पे कट करिएगा, ये 60 डिग्री का होगा। 60 डिग्री को जब डिवाइड करिएगा तो आपको कितना हो जाएगा, वो 30 डिग्री आ जाएगा। 30 डिग्री आया जैसे ही तैसे ही आप क्या करेंगे, इसको एक लंबा लाइन खींच देंगे, ठीक है, एक लंबा लाइन यहाँ पर खींच दिया आपने। अब आपको क्या करना है कि एंगल जो है 30 डिग्री यहाँ पर लिख दीजिएगा, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 30 डिग्री, ठीक है। अब आपको पुनः यहाँ पर देखना है कि बी को आप सेंटर मान करके विथ बी एज सेंटर एंड रेडियस ऑफ आपको 33 सेंटीमीटर रेडियस लेकर के इसको कट मार कर लेंगे। तो कहाँ पर आपने कट किया, यहाँ पर आपने कट कर लिया, ठीक है। फिर से मैं इसको दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पर आप क्या करेंगे, कट कर लेंगे 3 सेंटीमीटर यहाँ से लेकर के यहाँ तक में, ठीक है। वो 3 सेंटीमीटर कट कर लेने के बाद आप इसको आगे की तरफ जो है ना वो खींच सकते हो। ओ एक्स जो है ना वो आगे की तरफ, पहले ही मैंने बताया कि ये पहले ही खींचना है, इसी को आपने कट किया 3 सेंटीमीटर। अब क्या करना है कि आपको ज्वाइन करना है इस पॉइंट को, हम मान लेते हैं जो पॉइंट पर हमने कट किया उस पॉइंट को क्या मानते हैं, उस पॉइंट को मानते हैं पी, ये वाला पी, और पी को सी से क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना है। पी को सी से आप ज्वाइन कर देना है, मिला देना है, ये वाला लाइन को इससे मिला देना है डॉटेड लाइन से, क्या क्योंकि ये मेन कंस्ट्रक्शन नहीं है इसलिए डॉटेड लाइन से इसको मिला देना है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे कि ये जो लाइन है इस लाइन पर एक परपेंडिकुलर क्या करेंगे, परपेंडिकुलर वाइज इसको बाइसेक्ट करेंगे, यानी कि इसे आप समद्विभाजित करोगे। तो यहाँ से आप क्या करोगे, इसको कट करोगे, फिर ये वाला लाइन को यहाँ से फिर इसको ऐसे कट करोगे, यहाँ से पुनः यहाँ पर लेंगे कट करेंगे और इस साइड से लेंगे तो इधर कट करेंगे और दोनों ही लाइंस को आपस में, पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे तो ये बाइसेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बाइसेक्ट हो जाने के बाद आप, मैंने पहले बताया कि इसको सेंटर मानते हुए यहाँ पे कट, इसको सेंटर मानते हुए इसको कट, ठीक है ना, फिर इसको ये वाला पी पॉइंट को सेंटर मानते हुए इधर से कट और इसको सेंटर मानते हुए इसको कट, ठीक है। अब मैं फिर से इसको हटा देता हूँ थोड़ा साफ रहने के लिए। अब देखिए ये दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला देने के बाद आपका क्या होता है कि ये पॉइंट्स को जैसे ही आप मिलाते हैं तो जहाँ पर ये पॉइंट्स आगे मीट होता है उस पॉइंट को आप क्या करोगे, ए लिखोगे। उस पॉइंट को क्या लिखोगे, ए लिखोगे। जहाँ पर ये वाला लाइन जो है टच होता है वो हमारा पॉइंट क्या होगा, ए होगा। तो आपके पास ए आ गया, बी आ गया और सी आ गया, जो कि कंस्ट्रक्शन में था कि ए बी सी का आपको स्ट्रक्चर। अब आप क्या करेंगे, ये पॉइंट्स तो आ गए हैं लेकिन आपने एक चीज़ नहीं किया है जिसको कि ए को सी से ज्वाइन नहीं किया है। सी पॉइंट्स भी देख लीजिए, सी पॉइंट है यहाँ पर, तो आप किसको क्या करोगे, ज्वाइन, इसको इससे ज्वाइन करना है, ए को सी से ज्वाइन कर देना है। जब आप ज्वाइन करते हो तो आपके पास एक ट्रायंगल बन के आ जाता है जो इस तरीके का है, ठीक है ना, यहाँ पर इस तरीके का दिख रहा है। ए पॉइंट्स को अगर इस साइड लेकर के इसको रिवर्स कर दोगे तो वो दिखाया है
कि ए पॉइंट पर ही एंगल लग रहा है, आपको दिख रहा होगा कि 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर हमको केवल केवल और केवल एक ही जगह पर एंगल बनते हुए दिखाई देना था। तो जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया हमारा कि एक कंस्ट्रक्शन तैयार करना है, कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल ए बी सी, बेस आपको लेना था कितना 5.7 और एंगल ए, एंगल आपका जो बी है वो 30 डिग्री लेना था, और डिफरेंस आप देखेंगे दो साइड का, तो दो साइड का जो डिफरेंस है वो हमारा कितना आना चाहिए 3 सेंटीमीटर आना चाहिए। तो दो साइड का डिफरेंस, अदर दो साइड्स का जो डिफरेंस है वो हमारा इतना आएगा, जब इसको आप स्केल से मेज़र करके देख लेंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताएंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ज़्यादातर लोगों को शेयर करिए अगर हमारा ये कॉन्सेप्ट या पढ़ाने का तरीका समझ में आया हो। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।